शिवराज मामा की सलाह, अब हिंदी में लिखें दवाओं के नाम, अब दवा पर्चे पर आरएक्स की जगह लिखें श्री हरि। गांव-गांव में डॉक्टर की जरूरत है, हिंदी में लिखेंगे उसमें क्या दिक्कत है। दवाई का नाम क्रोसिन लिखना है तो क्रोसिन हिंदी में नहीं लिखे जा सकते, उसमें क्या दिक्कत है। क्या परेशानी, ऊपर श्री हरि लिखो और क्रोसिन। इन तस्वीरों को देखिए, मध्य प्रदेश के अस्पतालों में अब दवाई के पर्चों पर आरएक्स की जगह श्री हरि लिखा जा रहा है। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां एमबीबीएस की पढ़ाई भी हिंदी में हो रही है, ताकि जो छात्र अंग्रेजी में कमजोर हैं या नहीं पढ़ सकते वो भी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करके एक सफल डॉक्टर बन सके। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है। इसकी शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 16 अक्टूबर को एमबीबीएस कोर्स के लिए हिंदी में तैयार की गई 3 सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक्स के विमोचन से की। ये नई शुरुआत आज मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो रही है, कुछ समय में इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में शुरू होगी और देश भर में 8 भाषाओं में इंजीनियरिंग के अभ्यासक्रम का अनुवाद शुरू हो चुका है। कुछ ही समय में देश के सारे विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन लेने की शुरुआत करेंगे। सिर्फ डॉक्टरी की पढ़ाई ही नहीं, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी हिंदी में ही पढ़ाई होगी और कुछ दिनों बाद आईआईटी, आईआईएम की पढ़ाई भी हिंदी भाषा में ही कराई जाएगी। बताइए, मातृभाषा को ये सम्मान और युवाओं को ये अवसर कोई दे सकता है? पीएम मोदी जी के आह्वान पर सीएम शिवराज ने ये काम चिकित्सा शिक्षा विभाग को दिया था, जहां एमपी के 97 डॉक्टरों की टीम ने मिलकर सिर्फ 4 महीने में ही देश को एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में करने का मौका भी दे दिया। एक और बात जान लीजिए, चीन, जापान और रूस ये वो देश हैं जो चिकित्सा के मामलों में हमसे बहुत आगे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनके देशों में डॉक्टरी की पढ़ाई इनकी ही भाषा में होती है, लेकिन हमारे देश में कांग्रेस की गुलामी मानसिकता के चलते ये अब तक नहीं हो पाया था। पर अब हम भी अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करके डॉक्टर बनेंगे, ताकि देश के छात्र अब अंग्रेजी के अभाव में अपनी योग्यता का गला न घोटें और देश की सेवा करते रहें। जय हिंद।